हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीची ड्रामा। आज मेरा मुंह इसलिए उतरा था क्योंकि आज मेरा रिजल्ट निकला था और मेरे मार्क्स हल्के कम अच्छे आए थे, तो मम्मी इस करके मम्मी ने मेरे को डांट दिया था। और हम जा रहे थे चंडीगढ़ क्योंकि कल मेरे नाना की रिटायरमेंट है। मम्मी कह रही थी अब अपना मूड सुधार लो और हाई करो कैमरे में। हम पहुंच गए थे तिलक नगर क्योंकि तिलक नगर से हमें मेरे मौसा मौसी मिलने वाले थे। हम उनके साथ कार में जाएंगे और ये व्हाइट वाली कार उन्हीं की है। मम्मी कह रही थी वो देखो आगे है। मम्मी से कह रही थी कहाँ पे है कार, तो मम्मी मेरे को पॉइंट करके बता रही थी कि वहां पे है। तो हम पहुंच गए कार में और ये बाईपास हम पहुंच चुके हैं। बाईपास साइड बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मौसा मौसी द्वारका में थे और हम नोएडा में थे, तो हम उनको तिलक नगर में मिल गए थे। मौसा मेरे ड्राइव कर रहे थे, मौसी आगे बैठी हुई थी और ये चिड़िया पूरे नजारों का व्यू ले रही थी। मैं और मम्मी पीछे बैठे हुए थे जो कि हमने आगे करके आगे जाके करनाल साइड जाके चेंज कर लिया। अगर आपको पता है ये कौन सी जगह है तो बताइएगा जरूर। हम इससे पहले आधे एक घंटे जाम में फंसे हुए थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा जाम था। रोहिणी साइड, मंगोलपुरी साइड बहुत ही ज्यादा जाम था, तो इस करके हमें लेट हो गया था। हम निकले तिलक नगर से 11 बजे थे और यहाँ बाईपास पहुंचे जाके 1-2 बजे करीब। और यहाँ हम पहुंच गए बाईपास। अगर कोई कौन कौन इस कूड़े के पहाड़ को जानता है, मतलब ये नहीं ये तो पाइप है, बाकी यहाँ से पूरा नाली वाली निकलता है। और यहाँ बारिश हो रही थी बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली बारिश हो रही थी। ये कार वाला हमसे रेस कर रहा था। मैंने मौसा से बोला मौसा आगे बढ़ाओ, लेकिन ये कार वाला हमसे जीत गया। फिर मैं उदास हो गई। फिर हम सब बैठे हुए थे, गाने चल रहे थे और यहाँ पीछे राधे कृष्ण की मूर्ति। हम पहुंच गए थे कूड़े के पहाड़ के पास। जो यहाँ दिल्ली के लोकल हैं वो तो इस पहाड़ को जानते ही होंगे। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर है और अब तो ये पहाड़ और भी बड़ा हो गया। ये रिकॉर्ड 4 साल पहले का है, अभी इसके और भी ज्यादा बहुत ही बड़ा हो गया। किस दिन ये गिरा तो पता नहीं क्या होगा। मम्मी कह रही थी जूम जूम ले। मैंने तो ये भी कभी कभी कहा जाता है जब ठंडी पड़ती है तो जाता है कि दिल्ली में पहाड़ भी है और दिल्ली हिल स्टेशन बन चुका है। ये है मेरी मौसी जो कि आगे बैठी हुई थी। मेरे से कह रही थी मम्मी से कि ये वीडियो में मत लेना, वीडियो में कैप्चर मत करना, मत लेना। लेकिन फिर भी हमने उनकी वीडियो बना ही ली। अब मौसी ने मेरे को तभी भी वॉर्न किया था कि मत डालना वीडियो, प्लीज मत डालना। लेकिन मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो जो जो हमारे साथ जाएगा तो उसको दिखाना तो बनता ही है। और ये हमारा रास्ता चलते जा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी, मेरा तो मन कर रहा था सोने का। लेकिन फिर अभी मैं थोड़ी देर रुकी, उसके बाद नहीं सोया। फिर हम पहुंच गए थे पेट्रोल पंप पे CNG भरवाने। यहाँ बहुत ही ज्यादा धूप हो रही थी और ये रही हमारी गाड़ी। आगे लाइन लगी थी इसलिए हमने गाड़ी पीछे खड़ी, इस वजह से हम उतर गए। और यहाँ हम जा रहे थे चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेने। मौसी को भी बहुत ज्यादा धूप लग रही थी और यहाँ हमारी गाड़ी में CNG भर रही थी। मौसा पे करने जा रहे थे बस। फिर यहाँ मौसा जा रहे थे पे करने और मौसा अपना कार्ड लेके आ गए। और फिर मौसा ने उन भैया से बोला कि ATM कार्ड वाली जो मशीन होती है वो ले आओ। फिर यहाँ मैं और मम्मी, मैं और मौसी फिर वॉशरूम चले गए थे। फिर ये हम आए कार में बैठ के CNG भरवा के, तो हम खाने लगे पॉपकॉर्न। मौसी पॉपकॉर्न खा रही थी। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि कल का क्या होगा कैसे होगा। और यहाँ हाथ में रख कर रहे थे, मौसा ड्राइव कर रहे थे। हाँ तो फिर उसके थोड़ी देर बाद हम सो गए थे। यहाँ मैं सो गई थी, पीछे मौसी सो गई थी मेरे बगल में। मैंने एक पराठा भी खा लिया था और लस्सी भी पी ली थी तो मेरा पेट भर गया था, तो मैं सो गई थी। और ये मौसी का दुपट्टा टंगा हुआ है जो हमेशा टंगा ही रहता है। पता नहीं मौसी को कितनी धूप लगती है। और मौसी फिर जब मौसी अब वीडियो देखेंगे तो मौसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। अब पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा अब मौसी जब वीडियो देखेंगे तब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये आगे का व्यू, यहाँ इस साइड बारिश नहीं हुई थी तो बहुत ही ज्यादा सही मौसम था। अंदर तो ठंडा था लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर हम खाना खाने के लिए रुके थे होटल में और यहाँ झूला लगा था तो मैंने झूला भी झूला। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया झूला झूल के। मेरे को जब भी झूला दिखता है मैं झूला झूलने लगती हूँ। फिर हम पहुंच गए चंडीगढ़।
देख सकते हो आप यहाँ वेलकम टू चंडीगढ़ का बोर्ड लगा है और हम पहुंच गए नानी के घर। यहाँ मैं एंटर कर रही थी अपना बैग लेके, जब थे तो हमारे पास बहुत सारे बैग जो पहले अभी गाड़ी में रखे हैं, अभी वो जाऊंगी धीरे धीरे लेके आऊंगी। और कुछ बैग मौसा मौसी ले आए थे, मम्मी ले आई थी, मैंने यहाँ रखा अपना बैग, उतारा अपना पर्स, फिर मैं चली गई अंदर सबसे मिलने और यहाँ मेरा पर्स गिर गया था जो मैं उठा रही थी। ये है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फिर यहाँ मिली मेरे को मेरी नानी जिनसे मैं हाय बोल रही थी, नमस्ते किया। फिर हैं ये मेरे दोनों मामा, ये है विशाल मामा और ये है विराट मामा। विराट तो मेरी ही एज का लेकिन है तो मेरा मामा ही। और ये मेरी मौसी, यहाँ विशाल मामा फोन चला रहे थे। और ये है मेरे मौसा, नानी किचन में बना रही थी चाय और यहाँ हमारी नमकीन भी आ चुकी थी और नानी कह रही थी कि खा लो। और ये नहीं मम्मी अभी जो मैं शूट कर रही हूँ और यहाँ किचन में उबल रही थी हमारी चाय जो कि बहने वाली थी, मैंने आके बचा ली। और फिर नानी निकाल रही थी पन्नी से यहाँ पे बिस्कुट। और फिर यहाँ पे हम सब देख रहे थे टीवी, मम्मी कर रही थी कैमरे में हाय। और आ गए फिर मेरे नाना जो कि मैं फिर बाहर से लेके आई चेयर, ये मेरे नाना हैं जिनकी कल रिटायरमेंट है। और फिर आ गए थे मेरे मामा ऑफिस से ड्यूटी करके। जैसे ही आज मेरी मामी भी दिल्ली से आई, हमको पता नहीं था कि वो आ रही है वरना मामी हमारे साथ ही आती। बस मामी हमसे आधे घंटे बाद पहुंची और हम मामी से आधे घंटे पहले पहुंच गए। यहाँ हमारी चाय बन के तैयार हो गई थी और हम सब चाय पी रहे थे। दोनों मामा इसलिए नहीं पी रहे थे क्योंकि उनको चाय पीते नहीं है वो लोग ज्यादा इस करके। इसी तरह हमारा वीडियो का एंड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।